इस लेसन में हम कुछ और नए फीचर डिस्कस करेंगे पेस्ट स्पेशल के, और ये मैंने पेस्ट स्पेशल विंडो आपके लिए यहाँ कॉपी करके पेस्ट की है, और ये जो राइट साइड पे फीचर्स हैं ये हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या है, ऑल यूजिंग सोर्स थीम, ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स एंड सो ऑन। तो ऑल यूजिंग सोर्स थीम का क्या मीनिंग है, अगर आपने एग्जैक्ट ऐसा ही डेटा जो मैंने यहाँ लिखा है आप कॉपी करना चाहते हैं, एक तरीका तो यह है कॉपी करके पेस्ट पे क्लिक कर दें, आप यहाँ से कॉपी कर लें, पेस्ट कहाँ करना है, यहाँ मैंने पेस्ट करना है, इस एरो को ओपन करें, आप पेस्ट स्पेशल पे आ जाएंगे, तो ऑल यूजिंग सोर्स थीम इस पे आपने क्लिक किया तो एग्जैक्ट डाटा आपके पास यहाँ आ जाएगा। देखें यहाँ भी फार्मूला है, यहाँ भी फार्मूला है, यहाँ भी कॉमेंट्स हैं, यहाँ भी कॉमेंट्स हैं, तो ये एग्जैक्ट ऐसे आ जाता है जो हम कॉपी और पेस्ट कर कर लाते हैं। अब बात कर लेते हैं ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स, यानी आपको सारा डाटा चाहिए लेकिन इसमें बॉर्डर नहीं चाहिए। देखें ये मैंने बॉर्डर इसमें बनाया हुआ है, आपको नजर आ रहा है, इसको हमने अब यहाँ से मैं कॉपी और नहीं करती, मैं राइट क्लिक करती हूँ, यहाँ से आप इसको कॉपी कर लें, पेस्ट कहाँ करना है, यहाँ पेस्ट करना है, राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल पे आप जाएंगे, ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स पे क्लिक किया तो आपके पास सारा डाटा आ जाता है लेकिन इसमें आपके पास बॉर्डर नहीं आया। कितना सिंपल काम हो गया आपके पास, राइट। थर्ड ऑप्शन है कॉलम विड्थ, ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है। देखिए इसको मैं इसकी विड्थ कम कर देती हूँ कॉलम की, आपको समझाने के लिए कि इस पे किसका क्या मीनिंग है, राइट। इसको हमने ऐसे कर दिया, बिल्कुल ऑब्वियस है कि इस कॉलम की विड्थ जो है थोड़ी कम है, इनकी थोड़ी ज्यादा है। अगर बिल्कुल इसी तरह कॉलम विड्थ ही आपने कॉपी करनी है तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। अब इस टाइम मैं ना यहाँ क्लिपबोर्ड से भी नहीं जा रही, राइट क्लिक से भी कॉपी नहीं करी, कंट्रोल सी प्रेस करूंगी मैं अपने कीबोर्ड पे, और देखें ये आपके पास डॉटेड लाइन आ गई, ये सेलेक्ट हो गया। कहाँ मैंने इसको पेस्ट करना है, मैं कहती हूँ मैंने यहाँ यहाँ मैंने कॉलम विड्थ करनी है, कंट्रोल ऑल्ट और वी प्रेस किया कंट्रोल सॉरी कीबोर्ड से मैंने, तो ये पेस्ट स्पेशल आपके पास आ गया। यहाँ पे है कॉलम विड्थ, इस पे जैसे मैं क्लिक करूंगी तो एग्जैक्ट जैसी इसकी कॉलम विड्थ है ये भी इसी तरह हो जाएगा। ये देखिए ये और ये आपके देखे छोटे हो गए कॉलम और ये जो है थोड़े से बड़े कॉलम हो गए, कहीं भी आप इसको ऐसे कर सकते हैं, राइट। तो कॉलम विड्थ से क्या होगा, अगर जैसे एक टेबल में कॉलम विड्थ है आप चाहते हैं वैसे ही कॉपी हो जाए तो आपने कॉलम विड्थ पे आना है। अब हम इसको यहाँ से अंडू कर लेते हैं और हम बात करते हैं यहाँ से फॉर्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेट, इसका क्या मीनिंग है। इसको देखें पहले तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद हमने क्या किया कॉपी किया, कहाँ पेस्ट करना है, यहाँ पेस्ट करना है, इसको आप यहां से भी ओपन कर सकते हैं, पेस्ट स्पेशल में जाएंगे ये विंडो ओपन हो जाएगी, फॉर्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेट्स आपके पास फॉर्मूलाज भी आ जाएंगे, राइट। ये देखिए आपके पास ये फॉर्मेटिंग खत्म हो गई लेकिन आपके पास फॉर्मूलाज आ गए, और जो फॉर्मेटिंग थी नंबर फॉर्मेटिंग है वो सारी सही हो गई हमारे पास, राइट। ये भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब है वैल्यूज, अब जैसे ये फॉर्मूला है ना, मुझे ये फॉर्मूला नहीं चाहिए, मुझे ये वैल्यूज चाहिए, आप इसको सिलेक्ट कर लें, कॉपी कर लें, कहाँ पेस्ट करना है इसको हम ओपन करेंगे, पेस्ट स्पेशल में आएंगे और यहाँ से हम वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेट्स एग्जैक्ट आपके पास देखें, जैसे यहाँ पे तो फॉर्मूला था, ये फॉर्मूलाज पे भी क्लिक किया था तो फॉर्मूलाज था लेकिन यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज आ गई, राइट। लास्ट लेसन में मैंने आपको बताया था यहाँ से भी आप वैल्यूज कर सकते हैं, यहाँ से भी आप वैल्यूज कर सकते हैं क्योंकि ये काफी ज्यादा इस्तेमाल होगा आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। और अब है ऑल मर्जिंग कंडीशनल फॉर्मेट्स, इसका क्या मीनिंग है। देखिए ये जो मैंने है ना सेलिंग प्राइस, यहाँ मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई हुई है, यानी वो सेलिंग प्राइस कार की जो 20,000 से ज्यादा है वो रेड हो जाए, और आपको मालूम होगा कि ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ से होती है, राइट। मैंने ग्रेटर देन करके लिखा है। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो मैं नया टेबल आया उसमें ये फॉर्मेटिंग भी आ जाए, तो उसके लिए ये है ऑल मर्जिंग, इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके कॉपी कर लेते हैं, इस बार यहाँ पे आपने पेस्ट करना है, इसको करें, पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और लास्ट ऑप्शन पे आपने इसको क्लिक किया तो आपके पास देखें ये फॉर्मेटिंग भी आपके पास आ गई, कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो आपने अप्लाई की थी वो भी आ गई। तो कितना सिंपल काम हो गया, पेस्ट स्पेशल के और फीचर्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपने ये लेफ्ट साइड वाले भी हमने डिस्कस किए, राइट साइड वाले भी डिस्कस किए, प्लीज प्रैक्टिस कीजिए, साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, और बहुत शुक्रिया।